अखिल भारतीय हस्तशिल्पी सप्ताह के समापन पर कलेक्ट्रेट के मोशायरा ग्राउंड में हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी सहित अन्य दस्तकार संगठनों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने पहुंचकर पीतल दस्तकारी को बेहद बारीकी से देखा। इस दौरान जिलाधिकारी ने हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी के तत्वावधान में लगाई गई गैस भट्टी को भी देखा, जहाँ दस्तकारों ने जिलाधिकारी के समक्ष गैस भट्टी पर पीतल को गलाकर पीतल उत्पाद तैयार करके दिखाए, जिसे देखकर जिलाधिकारी को भी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के पीतल दस्तकार वास्तव में बहुत मेहनत करके और बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। कम मजदूरी पर कार्य करके पीतल नगरी मुरादाबाद का नाम विश्व पटल पर रोशन कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष मोहम्मद ताही ने जिलाधिकारी को कोयला एवं गैस भट्टी के विषय में बताया। गैस भट्टी पर बहुत आसानी से पीतल की सिल्ली और रॉ मटेरियल को बेहतर कम खर्च में जलाया जाता है, जबकि कोयले से प्रदूषण भी फैलता है और पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। जिलाधिकारी ने गैस भट्टी की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि पीतल दस्तकारों को आसानी के साथ गैस भट्टी के कनेक्शन पहुँचाए जा सके। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी कानूनी अड़चन होगी उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे और उनके द्वारा शासन को भी इस संबंध में अवगत कराया जाएगा। इस अवसर पर उद्योग केंद्र के अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी का स्वागत किया गया। पीतल एवं अन्य धातुओं से बने उत्पादों को देखकर जिलाधिकारी ने प्रशंसा व्यक्त की, साथ ही दस्तकारों के हुनर की बेपनाह सराहना भी की। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर एवं सचिव हाजी अनवर हुसैन अब्बासी द्वारा संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके पश्चात जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा पद्मश्री दिलशाद हुसैन और हस्तशिल्पी गुरु मोहम्मद मोबीन को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के मुशायरा ग्राउंड में अपने उत्पादों का स्टॉल लगाने वाले हस्तशिल्पियों को भी जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सम्मान समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये था मेरे सब बेटे, इस कला में निपुण सभी आपके उत्साहों को लेकर मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग विगत वर्षों में भी आपने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया होगा। जो यहाँ पर मैंने हस्तशिल्पी उसमें यहाँ पर जो यहाँ पर डिस्प्ले थे उनको देखकर लगता है कि हाँ, मुरादाबाद एक हस्तशिल्पी के मामले में पूरे देश में विशिष्ट स्थान अपना रखता है। कहने की बात यह है कि जो मुरादाबाद को क्षेत्र में स्थान है, वो मुझे लगता है कि पूरे विश्व में किसी भी एक निश्चित जगह का स्थान कहीं पर भी नहीं होगा। अभी मैं जो एक कार्यक्रम वहाँ पर अधिकांश थी वो मुरादाबाद की, तो मुरादाबाद का इस क्षेत्र में वर्चस्व है। हमें छोटे उद्यमियों को प्रमोट करने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बड़ा उद्यमी है, जिसके पास पैसा है, उसको आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं होती, वो अपने आप बढ़ते चला जाता है, चाहे सरकार उसको प्रोत्साहन दे चाहे न दे। उसके लिए 50 तरह के बाजार खुले हुए हैं। दुनिया बड़ी छूटी हो गई है, तब से मीडिया के तमाम इस तरह के वो हैं कि जिनके माध्यम से थोड़ी देर में पूरी चीज जो है एडवर्टाइजमेंट होके सजग पहुंच जाती है, लेकिन वो सबके लिए उपलब्ध है जिनके पास पैसा है। हमारे छोटे उद्यमियों के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास कला है। अभी जैसे मैं लोगों से पूछ रहा था कि ये कितने दिन में तैयार होता है, जैसे बताया कि 2.5 महीने में तैयार होता है, उसकी कास्ट कितनी, 15,000 रुपये, बहुत ही कम कास्ट है। और एक चीज जो कि 2.5 महीने में तैयार हो रही है, तो जो आर्टिसन है, जो काम कर रहा है, उसके हाथ कितना पैसा जा रहा है, बहुत ही कम पैसा जा रहा है। लेकिन
ये सब चीजें, ये पसंदीदियां हैं, केवल यही नहीं है, पूरे प्रदेश में, देश में जहाँ छोटे छोटे कलाकार हैं, जहाँ पर कलाकारी है, जहाँ कला है, हाथों में कला है, उनको पैसा भक्त मिलता है। समापन समारोह के विषय में जानकारी देते हुए हस्तशिल्पी जन कल्याण सोसाइटी के अध्यक्ष एम ताहिर एवं दस्तकार समिति के अध्यक्ष नजाकत हुसैन अंसारी ने संयुक्त रूप से क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह का समापन हुआ था, जिलाधिकारी आए थे, क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, आज जो प्रदर्शन किया है, किसी जिलाधिकारी के होटल ने पूरा विश्वास दिलाया और कहा है कि मैं गंभीर हूँ और इस भट्टी को जल्दी से जल्दी शहर में लगवाएंगे। हम मैं तमाम सोसाइटी की जानिब से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो इतने गंभीर है और हम भी चाहते हैं कि हमारा आजीवन बीमारी से बचे, तमाम परेशानी से बचे और यह भट्टी अपने सर जी, आज यहाँ सप्ताह का जो समापन हुआ है डीएम साहब के द्वारा, हम डीएम साहब के भी आभारी हैं और अपने जीएम साहब के भी आभारी हैं, वो हमें कारखाने से जीओ पैसा उठा के और सभागार में लेके आए और डीएम साहब के हाथों से हमें प्रमाणित प्रमाण पत्र भी मिले हैं और हमें प्रमाणित किया गया है। तो उससे पहले जो साल गुजरा है उसमें भी हमारे जीएम साहब ने यही किया था और आज ये साल आया है दूसरा, इसमें भी हमारे जीएम साहब ने यही किया है। पिछले साल जीएम साहब दूसरे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जीएम साहब ने कि इस काम को जो है आगे बढ़ाया जाएगा और कारीगरों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। हम बहुत बहुत आभारी है। इस मौके पर संयुक्त आयुक्त जिला उद्योग केंद्र योगेश कुमार, धातु हस्तशिल्पी सेवा केंद्र के महाप्रबंधक डॉक्टर रविंद्र शर्मा के अलावा मोहम्मद ताहिर हाजी, अनवर हुसैन अब्बासी, मुशाहिर हुसैन एडवोकेट, सलीम अब्बासी, नसीम खान, अरवर कुरैशी, खलिक उर्फ डब्बू, नजाकत अंसारी, मोहम्मद सलीम, नासिर हुसैन अंसारी, नोमान मंसूरी, राहत हुसैन अंसारी एवं दस्तकार संगठन की महिला पदाधिकारी, पूर्व पार्षद दुर्रे शहवार समेत अनेक दस्तकार मौजूद रहे।